हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अफगानी बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है, इसके अंदर 4 चम्मच मैं तेल ले रही हूँ। तेल को थोड़ा सा हम गरम होने देंगे। अब तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे 5 लहसुन मैं डाल रही हूँ, ये अदरक है और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। यहां पे मैंने 2 प्याज काट लिए हैं। ये प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये इसका जो कच्चापन है वो सिर्फ निकल जाए। अब यहाँ पे मैं ये धनिया डाल रही हूँ और मैंने इसके डंठल भी लिए हैं। बस अभी ये रेडी है, हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अब ठंडा करके हम पीस लेंगे। पीसते समय हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। अब मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है और पीसते समय मैंने 4 चम्मच दही डाला था और अब हम इसमें दोबारा से 3 चम्मच दही डालेंगे और इसे मिक्स करके अभी साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम पनीर लिया है। अब हम मैरिनेशन बना लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, काली मिर्च, स्वाद अनुसार गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे ये डंठल है मेरे पास धनिया के, वो डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आइए अब इसे हम ग्रिल कर लेते हैं। ये ग्रिलर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और हमने ये जो पनीर मैरिनेट किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल मैंने फुल रखी है, हम फुल इस पे गैस के फ्लेम पे ही हम पनीर को ग्रिल करेंगे। अब यहाँ पे हम जो पनीर लेंगे वो हमें मलाई पनीर नहीं लेना है। अगर आप मलाई पनीर लोगे वो बहुत सॉफ्ट आता है तो वो टूट सकता है, हमें जो नॉर्मल पनीर आता है वही लेना है। अब ये रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने वही पैन लिया है, इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये तेज पत्ता लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये साबुत जीरा डाल रही हूँ, ऐसे तो जीरा पाउडर डालते हैं इसके अंदर लेकिन जीरा पाउडर से कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा साबुत जीरा डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 सिनेमन स्टिक है। अब हमने ये जो पेस्ट रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे। इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छी तरह से हम ग्रेवी को कुक कर लेंगे। इसे ढक के हम कुक कर लेंगे। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है और इसे हम 1-2 मिनट कुक कर लेंगे।
हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा, और हम जब ग्रेवी को पकाएंगे तब पहले हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। एक बार ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो जाए फिर आपको लगता है अगर ये ज़्यादा गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। अब मैंने पानी डाला है थोड़ा सा, तो मैं एक मिनट और इसे कुक कर लेती हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं, अब ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम बाउल में ये ग्रेवी निकालेंगे, ऊपर से पनीर हम रख देंगे। आइए अब हम सर्व कर लेते हैं।